दोस्तों, खबर लहरिया के इस फेसबुक लाइव शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता प्रजापति। आज हम यहां पर कबरई के रानी लक्ष्मीबाई नगर पर खड़े हुए हैं। आपने सुना होगा कि 10 अगस्त को दिल्ली में रविदास जी की मूर्ति तोड़ी गई थी और उसके बाद कितना विवाद हुआ था। उसके चलते ही यहाँ पर ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर की भी कल किसी ने मूर्ति रात को अज्ञात लोगों ने तोड़ दी थी। पुलिस की सूझबूझ और यहाँ के लोगों की सूझबूझ की जगह से यहाँ काफ़ी हालत माहौल ख़राब हो रहे थे, पर पुलिस की सूझबूझ की वजह से तुरंत मूर्ति का स्थापना करवाई गई है, जिससे अभी हाल में काफ़ी लोग शांत हैं। पर अभी भी लोगों के मन में आक्रोशित है, क्योंकि पूरे 24 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक उस व्यक्ति का पता नहीं चला है कि कौन व्यक्ति है, किसने इस मूर्ति को तोड़ा है। तो हम लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से, कौन व्यक्ति है जिसने तोड़ा है, किसने देखा, उन्हें क्या लगता है। हालांकि माहौल किसी भी तरह से कोई बिगड़े ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। यहाँ पर अलग अलग तरह से लोग अपने पहरा दे रहे हैं, जिससे लोग किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, माहौल शांति का बना रहे। तो हम लोगों से पूछते हैं कि ये पूरा क्या मामला है और किस तरह से ये हुआ है। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? अवधेश तिवारी। क्या पूरा मामला भैया, कैसे ये मूर्ति टूटी, कैसे आपको पता चला? ये सुबह हमने आकर देखा, सुबह 10 बजे के लगभग तो टूटी हुई थी। तो बाकी रात को तो जानकारी है नहीं कितनी टाइम के लगभग टूटी है। कोई बता रहा है कि 10:30 बजे 11 बजे के लगभग। अब जितनी टाइम का मामला हुआ ये। तो जब आपने मूर्ति टूटी देखी थी तो वो किस स्थिति में भी थी? उसके जो हो तो नंदी बाबा के 4 टुकड़े थे और जो शंकर जी के जो हो तो पीछे से हथौड़ा का वार किया गया है, उनके भी 2 टुकड़े थे। अब जैसे भी हो। तो क्या लगता है कि ये कौन लोग कर सकते हैं, क्या क्या सोच, क्या समझ? हम तो ये समझ में आ रहा है कोई दारू वारू नशे ऐसे में किसी ने तोड़ दिया होगा, बस यही समझ में आ रहा है और बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हो सकता है अभी किसी को पता नहीं है कि मूर्ति किसने तोड़ी है, कौन व्यक्ति है, कितनी समय टूटी है। लोगों ने सुबह जब जगे, लोगों ने देखा तब मूर्ति खंडित पाई गई और लोगों में आक्रोशित होना शुरू हो गया। लोगों ने काफ़ी बवाल भी किया, पुलिस मौके पर पहुंची, यहां पर काफ़ी छानबीन चल रही थी। हमारे साथ और लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? नाम रामदयाल कुशवाहा। क्या पूरा मामला है, कैसे आपको पता चला मूर्ति के बारे में? ये हमने सुना है कि यहाँ किसी ने तोड़ दी है, तो हमने जानकारी नहीं कि किसने तोड़ी है। जब आप आए थे तब क्या स्थिति थी, किस तरह का माहौल था? ये तो हमने नहीं देखा कि आप नहीं थे कल यहाँ? नहीं नहीं, कल नहीं। तो ये किसने मूर्ति रखवाई है यहाँ? बहुत पहले पुरानी मूर्ति थी, अभी कुछ दिन पुरानी मूर्ति है अभी तो। लगभग कितनी पुरानी रही होगी मूर्ति वो? लगभग ये तो हमारे 1.5-2 साल पुरानी। इसके पहले ना, उसके पहले भी रही। अच्छा, हम और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं तो हम इनसे पूछते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? जी जी, हमसे पूछा। क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला, ये कब की मूर्ति है? ये मूर्ति हम जब रहे हैं तब, हमारे छोटे छोटे रहे तब की बनी है, तब की बनी है, जब हम छोटे छोटे रहे तब की बनी है। देखा, बढ़ा गई है। अब जब की बनी मूर्ति है, एक दिन एक बार ढनंग ढनंग चली गई थी, तो उसको दूसरी बार धरी गई है, दूसरी बार वाली अब फोड़ डाली गई है। तो ये जब बीच में रखी गई थी वो किसने तोड़ी थी, वो कैसे दूसरी बदली गई थी? अब वो पहले ढनंग थी, तो अब चाहे नटोरी हो वो खाने हमें पता, तो मतलब दूसरा जब करी है तो ये वाली अब टूरी है। जब उन्हें धराई जिनके मंदिर आए उन्हें उसने धराई है, अब वो टूट गए। अभी जिन टोरी हुई भगवान जाने वो जो टोरी हुई। तो कब आपको पता चला? हमें तो पता चलो 10 बजे, हमें तो 10 बजे में तो पता नहीं चलोगा। हाँ, तो यहाँ किस तरह का माहौल बना था, क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है? हमें तो कुछ ना लागत ना, हम जानो हुआ, हम 10 बजे जानो हुए, हम नहीं जानो कि क्या माहौल है, कि को आओ को नहीं आओ। जब हम सबको आगा पुलिस वाले तब हमें पता चलो कि मंदिर की टोरी गया हुआ मुझे कहते 2 टुकड़ा कर देंगे। अब जो टोरो भगवान वही शंकर भगवान खुद जानी है, हम नहीं नहीं देख पे। इसके पहले ऐसी घटनाएं कभी घटी है क्या यहाँ? हाँ नहीं घटी, यहाँ पहली घटना। पहले नहीं घटी, अब यहाँ घटी है। आप देख रहे हैं कि जानकारी के अनुसार कि यह मंदिर काफ़ी पुराना है जो अभी तक चल रहा था, और उसके बाद से ये 2 साल पहले नई मूर्ति रखवाई गई थी, क्योंकि वह पुरानी मूर्ति हो चुकी थी, जिसके चलते किसी अराजक तत्वों के द्वारा ये मूर्ति को खंडित किया गया है। लोग बता रहे हैं कि कल काफ़ी फोड़ थी, काफ़ी बवाल होने की शंका थी। हम इनसे पूछते हैं यहीं कहीं, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुनील है। क्या पूरा मामला है, कैसे मूर्ति को बारे में पता चला आपको? यहाँ पे 10 बजे के करीबन, 10:30 बजे करीबन यहाँ पे देखा गया तो मूर्ति टूटी हुई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, इसके बाद मूर्ति टूट गया। ऐसा तो लगता नहीं था, पहले कभी हुआ नहीं ऐसा। तो क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने मूर्ति को? नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो ये पहली ऐसी मूर्ति है जो खंडित हुई है या इसके पहले भी ऐसी? नहीं, पहले ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, ये पहली मूर्ति थी। कभी विवाद हुआ हो किसी चीज को लेकर के? नहीं, कोई विवाद नहीं। तो आप लोगों ने FIR वगैरह की? हाँ, सब कुछ किया। अभी तक पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है? अच्छी कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने एप्लीकेशन दी है, अलग अलग तरह से वहाँ पर मूर्ति तुरंत रखवाई गई है लोगों के अनुसार। अभी किसी भी तरह का कोई पता नहीं चला, यह पहली घटना है जब मूर्ति को तोड़ी गई है। किसी भी तरह का कोई माहौल गर्म ना हो, माहौल को शांति बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह से मौजूद है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी भी काफ़ी माहौल गर्म बना हुआ है, लोगों में काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहा है क्योंकि पुलिस ने अभी किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है। हम आइए और जानते हैं कोई बात नहीं है। अच्छा दादा, अभी यहाँ का माहौल कैसा है, किस किस स्थिति में है अभी यहाँ का माहौल? अभी इस समय तो बढ़िया माहौल है। किस तरह का माहौल पहले लग रहा था कि क्या विवाद होने वाला, और किस कैसे संभाला है आप लोगों ने? पहले लग रहा था कि बवाल होगा, लेकिन अब माहौल इस समय शांत है, सब लोग शांत हैं। सब लोग। मूर्ति किसके द्वारा रखाई गई है? मूर्ति पुलिस प्रशासन या आम जनता जो होते हैं उनसे कौन कौन लोग इसमें शामिल, किसके द्वारा रखवाई गई है जानकारी? अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, जानकारी मिल रही है कि जो यहाँ के कुछ समाजसेवी हैं, समाजसेवी और पुलिस की सूझबूझ के चलते इस माहौल को ठंडा करने की कोशिश की गई है, नई मूर्ति रखवाई गई है। जैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि अभी का माहौल ठंडा है, अभी किसी भी तरह की कोई लोगों में उस आक्रोश नहीं है क्योंकि तुरंत से मूर्ति रखवा दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लोगों में काफ़ी शांति का माहौल दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए हम अपना लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ लाइव देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए यहीं, नमस्कार।